उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 का नाम है हमारे पास लॉगरिथम। एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 3.1। हमारे पास यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 और 3.1 की हम बेसिक्स पढ़ लेते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.1 की बेसिक्स क्या है। इसकी बेसिक है हमारे पास एक तो है साइंटिफिक नोटेशन और दूसरी है हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास यही है कि राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन एंड राइट द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी फॉर्म। तो आ जाते हैं अब हम साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है और ऑर्डिनरी फॉर्म क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशन नोटेशन और दूसरी साइड पर है हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास एक शॉर्ट वे होता है या एक शॉर्ट मेथड होता है किसी लार्ज वैल्यू को स्मॉल वैल्यू के अंदर लिखने का। यानी साइंटिफिक नोटेशन को इस तरह कह सकते हैं, कोई ऐसी वैल्यू जो बड़े नंबर्स में मिली हो तो उसे हम स्मॉल वैल्यू के अंदर या स्मॉल नंबर्स में किस तरह लिख सकते हैं। तो आ जाते हैं साइंटिफिक नोटेशन की एग्जांपल ले लेते हैं। हम एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं, जिस तरह हमारे पास एक वैल्यू है 7000000000 एंड 0। अब देखें ये कितनी बड़ी है वैल्यू हमारे पास। अगर हमें इसे शॉर्ट नंबर्स में या स्मॉल वैल्यू में लिखना हो, ये हमें कौन बताता है? ये हमें साइंटिफिक नोटेशन बताता है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू के लास्ट में से पॉइंट को कैरी करेंगे। अगर हमें पहले ये देखना है कि हमें जो वैल्यू मिली है उसके अंदर अगर पॉइंट नहीं पाया जा रहा, तो हमें पॉइंट को लास्ट में से कैरी करके फर्स्ट डिजिट के पास ले जाना है, यहाँ पर 7 के पास। तो पॉइंट को यहाँ से कैरी करके फर्स्ट डिजिट के पास ले जाने के बाद हमें क्या करना है, वैल्यूज को काउंट करना है जो पॉइंट के दरमियान होगी। यानी जहाँ से पॉइंट कैरी किया और जहाँ तक हम पॉइंट को लेकर गए उनके दरमियान कितनी वैल्यूज हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी पॉइंट और पॉइंट के दरमियान हमारे पास 9 वैल्यूज हैं। तो इस क्या हो जाएगा हमारे पास 7 × 10⁻⁹, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ये थी हमारे पास पहली एग्जाम्पल, हमारे पास ये क्या है इसका आंसर। इसमें हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव में। साइंटिफिक नोटेशन के दो मेथड होते हैं, एक होता है पावर पॉजिटिव में और एक होती है पावर नेगेटिव में। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर तो हो हमारे पास पावर नेगेटिव में तो उसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं 0.000000 एंड 2 4। अब हम इस वैल्यू में हमें पॉइंट दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को जहाँ से दिया गया है यहाँ से कैरी करके इस तरफ फर्स्ट डिजिट के पास ले जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट डिजिट क्या है 4, यानी पॉइंट 2 और 4 के दरमियान आ गया। अब हमें क्या करना है, जहाँ से पॉइंट कैरी किया और जहाँ तक पॉइंट को हम लेकर गए यानी फर्स्ट डिजिट तक, वहाँ तक हमारे पास इन दोनों के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं उन्हें काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं, और ये 7 वैल्यूज हमारे पास पावर है, यानी कि इसे हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। किस तरह, ये हमारे पास हो जाएगा 2.4 × 10⁻⁵, कितनी वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा -7। तो हमारे पास एक बड़ी वैल्यू थी उसे हमने एक स्मॉल वैल्यू के अंदर लिख दिया। ये थे हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के दो मेथड। अगर तो हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट में लेकर जाएंगे, पावर हो जाएगी पॉजिटिव, ये वाला मेथड। अगर हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट में लेकर जाएंगे तो पावर हमारे पास हो जाएगी नेगेटिव, ये वाला मेथड। अब आ जाते हैं हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म क्या होती है। ऑर्डिनरी फॉर्म हमारे पास ये होती है कि अगर कोई वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में मिली है तो उसे हम किस तरह ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखेंगे। जिस तरह हमारे पास ये वैल्यू है 4 × 10⁻⁶, तो इसे हमें ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। हम किस तरह लिखेंगे, 4 के बाद 10 की पावर क्या है 6, यानी कि 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर। ये है ऑर्डिनरी फॉर्म। अगर वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में तो उसे लिखना है ऑर्डिनरी फॉर्म में, हमारे पास यानी फर्स्ट डिजिट के बाद ऊपर जितनी पावर होगी 10 के उसे उतने आगे जीरो लगा देंगे। अब आ जाते हैं, ये तो था, इसके भी अंदर हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक पॉजिटिव पावर में एक नेगेटिव पावर में। ये था हमारे पास पावर थी जब पॉजिटिव, हम क्या करेंगे अब नेगेटिव पावर का देखते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं दूसरी, 0.0000
जीरो पॉइंट नहीं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिस तरह हमारे पास है 2.5 इंटू 10^6 माइनस का 6, ये नेगेटिव पावर में, इसे हम कर लेते हैं सॉल्व, किस तरह होगा 0.000 फिर से 0, फिर हमारे पास आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5। तो ये था हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखने का मेथड, यानी कि 10^-6 थी। तो अगर हम देखें इसे हल करके देखते हैं सही है नहीं, यहाँ से पॉइंट को अगर हम कैरी करें यहाँ पर ले जाएं तो कितने डिजिट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि हमारे पास अभी भी एक जीरो इसके अंदर आना बाकी है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 जीरो कर देंगे। अब देखते हैं पॉइंट को यहाँ पर कैरी करके यहाँ पर ले जाते हैं कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, तो 10^-6 माइनस 6, मैंने बताया जिस तरह पॉइंट को हम लेफ्ट से अगर राइट लेकर जाएंगे तो पावर माइनस में आ जाएगी। तो ये हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में इसे सही लिखा है, ये जो अभी हमने किया था ये से वेरीफाई किया था कि हमने सही लिखा है या नहीं लिखा। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि इस एक्सरसाइज की बेसिक भी यही थी और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी यही था। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द मेजर ऑफ द डायमीटर ऑफ द डायमीटर ऑफ मून इज 3500 किलोमीटर। यानी हमें डायमीटर मिला है मून का, जो मेजर किया गया है 3500 किलोमीटर। हमें क्या, आफ्टर कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर, कहता है इसे कन्वर्ट कर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद, आफ्टर कन्वर्ट इट इंटू सेंटीमीटर, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमें इसे किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, राइट इट इंटू साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन अब हम क्या है हमारे पास, डायमीटर ऑफ मून ये सॉल्यूशन, डायमीटर ऑफ मून हमें कितना मिला हुआ है, 3500 किलोमीटर मिला हुआ है। और अब हमें अच्छी तरह मालूम है कि एक किलोमीटर के अंदर हजार मीटर होते हैं और एक सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास 100 मीटर होते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे हमें कन्वर्ट करना है। तो अब हम इसे किस तरह कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे किलोमीटर, हमें किलोमीटर में मिला हुआ है इसे मीटर में चेंज करेंगे। तो किस तरह होगा ये, हम सबसे पहले 3500 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, अगर 35 को 1 से मल्टीप्लाई करें 35, उसके बाद जितने जीरो हैं हम यहाँ पर लिख देंगे, कितने जीरो थे, 1, 2, 3, 4, 5, हमने कितने लगाए, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद ये हो गया हमारे पास मीटर में कन्वर्ट। अभी हमें इसे किसे किस में कन्वर्ट करना है, इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। अब 35 को 1 से करेंगे तो 35 ही रहेगा, और उसके बाद कितने जीरो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 जीरो लगा देंगे।
अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, मैयर द डायामीटर ऑफ मून इज 3500 किलोमीटर, यानी मून का डायामीटर था हमारे पास 3500 किलोमीटर, आफ्टर कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसे कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद इसे हमें लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब इस पूरी वैल्यू को हम लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, किस तरह लिखेंगे, ये वैल्यू है हमारे पास 3, 5, उसके बाद है 7, 0। अब इस पूरी वैल्यू में पॉइंट कहीं नहीं है, तो पॉइंट को यहां से कैरी करते हुए हम ले जाएंगे फर्स्ट डिजिट के पास। इन दोनों के दरमियान वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यू है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 10⁻⁸ हो जाएगा, या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 3.5 × 10⁻⁸ × 10⁻⁸। तो ये हमारा आंसर। हमने यहां पर क्या किया था, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, और एक हमारे पास मीटर के अंदर एक मीटर के अंदर हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये वैल्यू मैंने वापस से सही कर दिए, तो इसे देख लीजिएगा। तो ये था हमारा सवाल, हमने सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, फिर मीटर वाली वैल्यू को हमने सेंटीमीटर में चेंज किया, फिर उसे हमने लिख दिया साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो अब ये है हमारा आंसर, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं और हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा, अगर जो चीज़ आपको ना समझ आई हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.1 लॉगरिथम की बेसिक है। तो आज की एक्सरसाइज मुकम्मल हुई, अल्लाह हाफिज़।